आ मिथिला में ही है कि थेथरा रे थेथरा की करे छी, लाज जूता खाई छी नीके रहे छी। और बकलेर और बकलेर, बकनाइर और बकलेर, जब उनको अपना दायित्व रहता है तो कुछ नहीं करता है, दूसरे से बहुत बड़ी अपेक्षा करता है। तो जो नियम नहीं है तो यही बकलेर और बकनाइर की तरह भाषा प्रयोग करने से क्या मतलब है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। थेथरा रे थेथरा की करे छी, लाज जूता खाए छी नीक लागे छी, कुछ इस तरीके का बयान आज विधान परिषद में देखने को मिला। आपको बताएं तो बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है, विधानमंडल की कार्यवाही जारी है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम नेताओं का जवाब देने के लिए सत्तारूढ़ दल के तमाम विधायक और एमएलए और एमएलसी जो है वो तैयार है। अब ऐसे में विधान परिषद में कुछ ऐसा देखने को मिला जहाँ मैथिली कहावत में एक तरफ अब्दुल बारी सिद्दीकी तो वही दूसरी तरफ विजेंद्र यादव। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि राजद के एमएलसी हैं, उन्होंने कब्रिस्तान के घेराबंदी को लेकर के सवाल खड़ा किया तो दूसरी तरफ जवाब के तौर पर विजेंद्र यादव ने बयान दिया और मैथिली में दोनों की तरफ काफी देर तक नोक झोंक देखने को मिली। जहां एक तरफ मैथिल में ही कहावत बोलने लगे अब्दुल बारी सिद्दीकी तो वहीं दूसरी तरफ विजेंद्र यादव की तरफ से भी कुछ इस तरीके से ही मैथिल में ही जो है कहावत के जरिए ही जवाब दिया गया। और इन सबके बीच बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी कूद पड़े और उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी को भरे विधान परिषद में ही धो डाला है। क्या कुछ तस्वीरें विधान परिषद से निकल कर सामने आई है जहां विजेंद्र यादव ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के तमाम सवालों का मैथिली कहावत से ही कह करके जवाब दिया है, वो आपको सुनवाते हैं। बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वो समस्तीपुर जिला अंतर्गत कल्याणपुर प्रखंड के थाना चकमेसी ग्राम पंचायत माली नगर स्थित जीर्ण शीर्ण कब्रिस्तान की चार दीवारी को ऊंचा करते हुए जीर्णोद्धार करे। महोदय, आए दिन जो है कई तरह का असामाजिक तत्वों के द्वारा कब्रिस्तानों को अतिक्रमित करना, फिर उस अतिक्रमण के कारण जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना वगैरह होती हैं, तो सरकार की यह नीति भी है और सरकार जो है कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का कार्यक्रम भी रखी है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस वर्णित जो मैं उल्लेख कर रहा हूं जिस जगह का, वहां की कब्रिस्तान की चार दीवारी को ऊंचा करवा के और उसको सुव्यवस्थित कर दिया जाए ताकि कोई असामाजिक तत्व में किसी तरह का उसमें न जुआ खेल सके या न अतिक्रमण कर सके। माननीय मंत्री, घेराबंदी किए हुए कब्रिस्तान के पुनर्निर्माण या मरम्मत का कोई प्रावधान नहीं है, अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। असल हमारे यहाँ महोदय, अब क्या कहें, हमारे मित्र हैं, मगर एक हमारे यहाँ देहात में बड़ी कहावत मशहूर है, अब इनके लिए लागू होता है या किन के लिए, अब मिथिला में ही है कि थेथरा रे थेथरा की करे छी, लाज जूता खाई छी नीके रहे छी। तो अब जो है महोदय, लेकिन जिस भाषा का इन्होंने उपयोग किया है वो भाषा उचित नहीं है, चाहे इनकी मित्रता कितनी ही गहरी क्यों न हो, ये तो बाहर रहना चाहिए। महोदय, एक दो शब्द अगर मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही कि जहां भी सेंसिटिव कब्रिस्तान हैं और जिसके कारण सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति है, वैसे स्थिति में सरकार प्राथमिकता के आधार पर उसको बनवाए। महोदय, एक मिनट, मिथिला में हम भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, वहाँ हम लोग यहाँ एक कहावत और है, बकलेर और बकलेर, बकनाइर और बकलेर, जब उनको अपना दायित्व रहता है तो कुछ नहीं करता है, दूसरे से बहुत बड़ी अपेक्षा करता है।
तो जो नियम नहीं है तो यही बकलेल और बकनाइट की तरह भाषा प्रयोग करने से क्या मतलब है? महोदय महोदय एक महोदय एक ही गुरु के चेले हैं हम लोग जी, मगर ये तो थेथर हो गए महोदय। लेकिन इसमें महोदय महोदय भोथर है अंताक्षरी, मैंने कहावतों की अंताक्षरी चल रही है क्या? तो इसी क्रम में लगता है कि चार दीवारी एक दो फीट ऊंची हो जाएगी, यही कहना है माननीय सदस्य का। अब आपकी चार दीवारी ऊंची हो जाएगी एक दो फीट, माननीय मंत्री जी ने कहा, इसलिए अब संकल्प वापस करें अपने। धन्यवाद देते हुए और इनकी दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस ले। ठीक सदकामना देता हूँ कि इतने सीनियर हैं, दो नंबर पर बैठे, ये छह नंबर पर बैठे हुए हैं।